क्लास 7 टुडे आई एम टीचिंग यू यूनिट नंबर 10 पार्ट 2 एक्सपोर्ट क्वालिटी। यानी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है जो बाहर से चीज़ें मंगवाई जाती हैं उनकी क्वालिटी के बारे में ये चैप्टर है कि इम्पोर्टेड चीज़ें कितनी अहम होती हैं या अच्छी होती हैं या उनकी क्या क्वालिटी होती है, खसूसियत अच्छी होती है या कैसी, ये इस चैप्टर इसके बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टीचिंग यू वर्ड मीनिंग, प्रिवेलिंग करना, मतवजा करना, ऑस्टोनियश नुमाइशी, एलेबोरेट तफसीली या मुकम्मल कोई बात को कंप्लीट करना, ऑर्नेट आरइश एंटीक कदीम चीज़ें, वेल्ड नकाब डालना, ब्रास पीतल, सस्पेंडेड एनिमेशन अनमूविंग साकिन हरकत का रुक जाना, लेबरनेट भूल भलैया, थ्रोफेयर दोनों जानिब से खुला रास्ता, स्प्लेंडर शान शौकत, एसाइल बगली रास्ता या साथ से रास्ता जो होता है, रिमेंसिस पुरानी यादों को ताज़ा करने का अमल, गोश हैरत के अजहार का कलमा यानी कि कोई ऐसा वर्ड जिसमें हम हैरत का इजहार करें, इनैमल मीनाकारी, मोटिफ नक्शोनिगार, फैबल किस्सा या दास्तान, टेन सामला रंग, कैप्शन उन्वान या तारफी अल्फाज, लैडन बहुत ज़्यादा लदा हुआ। नाउ कम टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक इज द डैश इज सेट आउट ऑन 3 फ्लोर्स। क्या चीज़ थर्ड फ्लोर पे वाकया थी? द शॉप इज सेट ऑन द थर्ड फ्लोर। ही हैंड्स मी माई बिल एंड कीप द पर्सेस। उसने मेरा बिल मेरे हाथ में थमाया और मुझे मेरा पार्सल दे दिया। आई ऑब्जर्व डैट नॉट डैश एवरी वन स्टिक टू द रूल्स। एब्सोल्युटली मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, मुशाहिदा की कि कोई भी रूल्स के मुताबिक नहीं चल रहा था यानी कि पाबंदी नहीं कर रहा था। आई फॉलो अवर फैमिली ऑफ 4 वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने एक ख़ानदान की फैमिली मेरे आगे चल रही थी जिसका मैंने पीछा किया जो कि मेरे सामने। माई हील्स डैश अलॉन्ग द ग्राउंड वेग। वेग होता है धस जाना। मेरी हील जो थी वो क्या हो गई थी? ज़मीन के अंदर धस रही थी। आई वुड बी मोस्ट लाइकली टू फाइंड अ डैश होम रिक्शा होम। मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे रिक्शा मिल जाए घर जाने के लिए। द स्टॉल्स हैव बिकम प्रॉपर ब्रिक शॉप नाउ। अब जो स्टॉल थे वो मुकम्मल तौर पे पहले जो के ठेले लगे हुए थे बाहर दुकानों के बाहर, जैसे आपने देखा होता है फट्टे लगे होते हैं, ठेले लगे होते हैं, अब वो जो ठेले थे वो दुकानों के अंदर तब्दील हो चुके हुए थे। अब दुकानें पक्की दुकानें बन चुकी हुई थी। इन माई चाइल्डहुड जब मेरा बचपन था, वी यूज़ टू कम डाउन हेयर विद आवर पॉकेट मनी। हम यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे जब हमारी पॉकेट मनी इकट्ठी हो जाती थी, यानी कि पैसे इकट्ठे करके हम यहाँ पे शॉपिंग करने बचपन में आते थे। आई सेट आउट इन टू द क्राउडेड स्ट्रीट। मैं यहाँ पे हजूम वाली गलियों में घूमती थी यहाँ मैं जब आती थी। नंबर 10, आई डिसाइडेड टू ट्राई माई लक इन द सिस्टम ऑफ ओपन बाजार। मैं यहाँ के इन खुले बाजारों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। द लास्ट, आई हेजिटेट फॉर ओनली अ फ्यू सेकेंड। मैंने हेजिटेट करना, हिचकिचाहट करना, मैंने कुछ देर हिचकिचाहट की और उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। यानी Now we have completed this objective, word meaning and filling in blanks. Please learn it and write down in your copy. Today I am teaching you class 7 answer question of unit number 10 part 2 export quality. In what way is the display in the shop astonishing? किस तरह उन्होंने दुकान को अपनी नुमाइश के लिए सजाया हुआ था? It is consisted of many colorful and elaborately decorated things which make इट एस्टॉनिशियस। यानी कि उन्होंने दुकान को इस तरह कलरफुल चीज़ों से सजाया हुआ था, यानी कि झंडियाँ लगा के खूबसूरती से उसको नुमाइश के लिए डेकोरेट किया था, जिसकी वजह से नज़र बार बार उनकी तरफ से मतवज्जो हो रही थी। हाउ डज द लेडी डिस्क्राइब द सिस्टम इन द कॉटेज इंडस्ट्री। लेडी जो थी, औरत ने वहाँ की जो जूते बनाने की इंडस्ट्री थी उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। घर के अंदर जो छोटी छोटी कारखाने लगाए जाते हैं, तो वहाँ पे वो विज़िट कर रही थी, तो उसने उसको किस तरह डिस्क्राइब किया? शी डिस्क्राइब इट एज बीइंग टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर हर। उसने इसको इस तरह बयान किया कि ये बड़ा ही तंग सी और बड़ी मुश्किल सी जगह थी।
वट डज द वर्ड लेबरनेट सजेस्ट? लेबरनेट कहते हैं भूल भलाइयों को, क्या इसका मतलब था स्टोरी में? द वर्ड लेबरनेट सजेस्ट डेट द इनसाइड ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मैनी इंटर कनेक्टिंग एजाइल्स एंड रूम। इसका यहाँ पे मतलब ये लिया गया लेबरनेट का कि कॉटेज इंडस्ट्रियाँ, घर में जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनाई जाती हैं, वो बहुत तंग होती हैं, साथ साथ कमरे होते हैं उसमें, और छोटी छोटी राहदारियों में ही मशीनों को और चीज़ों को सेट किया जाता है, ये इस चीज़ पे मुश्तमिल होती है। वाई डज द लेडी डिसाइड नॉट टू एंटर द सेक्शन ऑफ द शूज इन द कॉटेज इंडस्ट्री? क्यों नहीं औरत कॉटेज इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, घर की फैक्ट्री में क्यों नहीं दाखिल होना चाहती थी, जो जूते बनाने की फैक्ट्री थी? शी रिमेंबर, उसको याद था, डेट शी विल हैव टू गो अपस्टेयर टू पे फॉर द शूज। सबसे पहले उसको ऊपर जाना पड़ेगा अपनी पेमेंट करने के लिए जो जूता उसने ख़रीदा है, एंड देन कम डाउन, और फिर दोबारा नीचे आना पड़ेगा फॉर हर पार्सल, और अपना जो पार्सल उसने ख़रीदी हुई चीज़ है उसको लेने के लिए नीचे आना पड़ेगा। तो ये काफ़ी उसके लिए मुश्किल था, इसलिए वो ये चीज़ को अवॉइड कर रही थी। वाई डज द लेडी बिकम एक्सपर्टेड इन द शू शॉप? क्यों वो एकदम गुस्से में आ गई जब वो शू शॉप में थी? द शॉप कीपर कीप अश्योरिंग हर डैट द शू शी इज़ ट्राइंग ऑन आर वेरी गुड एंड दे विल श्रिंक और फिट इन टू नो टाइम टू फिट हर परफेक्टली, क्योंकि दुकानदार उसको बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि जो जूता आप पहनने की कोशिश कर रही हैं बहुत अच्छा है, और ये अभी आपको लूज़ लग रहा है, कुछ अरसे बाद ये आपको श्रिंक होकर फिट आ जाएगा, परफेक्टली आपको फिट हो जाएगा। ये चीज़ उसको बार बार इंसिस्ट वो कर रहा था, हिज इंसिस्टेंस एक्सपेक्टेड हीम वायलेटेड, और ये चीज़ तो यहाँ पे वो बंदा उसको बार बार, वो आदमी जूते वाला उसको, क्योंकि इंसिस्ट कर रहा था कि आप ये खरीद ले, तो ये चीज़ उसको एक्सपेक्टेड कर रही थी, यानी कि उसको इरिटेट कर रही थी, उसको परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई या परेशान हो गई। नंबर 6, वाई डू यू थिंक द शॉपकीपर टेल द लेडी डैट द शूज़ आर वाई? जो वाई शूज़ है एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बाहर के मुल्क से आया हुआ है, और ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त क्वालिटी, ये बात क्यों कह रहा था शॉपकीपर औरत को? द शॉपकीपर टेल ही दिस टू इम्प्रेस द लेडी, क्योंकि वो औरत को इम्प्रेस करना चाहता था कि वो ये समझे कि ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का जूता है, बाहर के मुल्क से आया हुआ है, तो ये उसको ख़रीद लेना चाहिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए ये बात बार बार कर रहा था। कम टू द वर्ड सेंटेंसेज, फर्स्ट वर्ड इज़ मोटिव, मुहरिक, हिज मोटिव फॉर वर्किंग हार्ड एज अ डिज़ायर टू सक्सीड, उसकी जो मेहनत करने का उसके अंदर मुहरिक है, या मुहरिक होता है आपके अंदर जस्तजू या कोई ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेशन देती है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, इसको मोटिवेशन कहते हैं, आपके अंदर की जस्तजू, आपके अंदर का शौक, तो ये चीज़ ने उसको कामयाब बनाया है। मोटिव नक्शो निगार, द मोटिव ऑफ स्क्रब यूज इन दिस मॉरल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इस चीज़ के अंदर जो मोटिव इस कपड़े को बनाने में या जो भी इस डिज़ाइन को बनाने में मोटिव नक्शो निगार यूज़ किए गए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। बबल्स, एक बबल होता है चिंगम, आई बॉट अ फ्यू बबल्स टू प्लीज़ माई सन एंड डॉटर, मैंने अपने बेटा बेटी के लिए कुछ बबल्स खरीदे। दूसरा बबल्स है बुलबुले, द सर्फेस ऑफ द सोडा वॉज कवर्ड विद बबल्स, जब आप सर्फ पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं बबल्स बन जाते हैं, तो जूँ ही मैंने सोडा उस पानी में ऐड किया तो वो बबल्स बन गए पानी के ऊपर, उसकी सरफेस पर सारे सतह के ऊपर बबल्स आ गए। ट्रॉपिकल, गर्म खत्ता, वेदर इज़ मोस्ट ट्रॉपिकल कंट्री इज़ हॉट, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होते हैं, गर्म खत्ते हैं दुनिया में, उनका जो वेदर है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है। टॉपिकल, उनवान, हिज बुक वॉज टॉपिकल एंड इंटरेस्टिंग, उसकी बुक का जो टॉपिक है बहुत दिलचस्प है। एक्सपेंसिव, कीमती, दीज शूज़ आर वेरी एक्सपेंसिव, ये जूते बहुत ज़्यादा कीमती हैं। एक्सपेंसिव, खुली जगह, कुशादा, आलीशान, द ऑफिस वर सेटअप इन अ एक्सपेंसिव बिल्डिंग, ये ऑफिस जो है ये बनाया गया बहुत खुली बिल्डिंग में। स्पेशियस, द किंग लिव्ड इन अ स्पेशियस पैलेस, जो वो किंग है, बादशाह जो है, वो एक बड़े खुले से महल में रहता है। स्पेशियस, मशकूक, ही मेड स्पेशियस स्टेटमेंट टू प्रूव हिज क्लेम, उसकी जो स्टेटमेंट है, बयान ने उसको एकदम मशकूक बना दिया है, उसकी जो स्टेटमेंट उसने दी है, अपना बयान जो दिया है, उसकी वजह से ये प्रूव है कि उसकी उस चीज़ ने उसको मशकूक बना दिया, शक में डाल दिया। लैडन,
लदा हुआ। द शॉपकीपर केम लैडन विद बॉक्सेस। शॉपकीपर जब आया तो उसके ऊपर क्या चीज़ लदी हुई थी, बहुत ज़्यादा बॉक्सेस डब्बों के साथ लदा हुआ था। लैडन थके हुए पाँव के साथ या भारी कदमों के साथ। द टायर्ड सोल्जर वॉक विद लैडन फीट। जो सोल्जर था, सिपाही था, वो भारी कदमों के साथ, थके हुए कदमों के साथ चल रहा था। नाउ वी हैड कम्प्लीटेड दिस यूनिट एक्सपोर्ट क्वालिटी। प्लीज लर्न ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड सेंटेंसेज इन योर कॉपी एंड लर्न इट। थैंक यू।